काल की नगरी में जैसा मैंने कहा है कि ग्रह युति का जो दोष है वो जरूर है, ग्रहण तो नहीं है, लेकिन इस दोष की निवृत्ति के लिए भी हम महाकाल का दर्शन कर सकते हैं, महाकाल का सामान्य दर्शन भी किया जा सकता है और महाकाल के दर्शन के बाद किसी भिक्षु को दान करने की परंपरा यहाँ पर है। इसको करने से सूर्य की अनुकूलता होती है और ग्रह के दोष समाप्त होते हैं। इस बार वर्ष में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं है। हाँ, सूर्य, राहु, चंद्र, शुक्र इन चार ग्रहों की युति का संबंध बना है, तो ग्रह युति दोष जरूर आया है इसके अंदर। अगर ग्रह युति दोष है तो उस दोष की निवृत्ति के लिए शिव मंदिर पर अष्टाध्याय रुद्र का अभिषेक करना चाहिए। अगर अभिषेक की स्थिति न बने तो सामान्य व्यक्ति जल का कलश लेकर के, दूध का कलश लेकर के जल और दूध से भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ावें, दूध चढ़ावें, सफ़ेद चंदन का त्रिपुंड लगावें, आकड़े के साथ फूल चढ़ावें, अक्षत चढ़ावें, घी का दीपक लगावें, मिश्री का भोग लगाएं। यह करने से सूर्य की अनुकूलता होती है। साथ ही नाग देवता के यहाँ पर पे गाय का दूध का भोग लगावें, गूगल की दीप लगाएं। यह करने से जो जन्म कुंडली में राहु का दोष है, नाग का दोष है या सर्प श्रापित दोष है, उस दोष की विधि शांति होगी। इसके अलावा चंद्रमा सूर्य का योग बनता है, ऐसे योग में दान का बड़ा महत्व बताया गया है, तो दान के मामले में अन्न का दान या सीधा दान हम कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को यथायोग्य भिक्षुकों को भोजन दे सकते हैं, गाय को चारा दे सकते हैं, पशु पक्षियों को किसी भी प्रकार की सहायता हम कर सकते हैं। चूँकि यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है और भारत के बाहरी हिस्से में दृश्य है, विदेशों में दृश्य है, अमेरिका में दृश्य है, अलास्का जैसे शहरों में दृश्य है, लेकिन फिर भी कुछ राशियों पर यह पूरे विश्व में एक अपना प्रभाव डालेगा। भले भारत में ग्रहण दृश्य न हो लेकिन जिन राशियों पर लग रहा है वह राशियां पूरे विश्व में अपना प्रभाव डालेंगी, उन राशियों पर उनका प्रभाव होगा। जिस प्रकार मीन राशि पर लग रहा है तो मीन राशि वालों के लिए घात होगा, इनके लिए पीछे से कोई घात कर सकता है। मेष राशि वालों के लिए यह हानि का सूचक है, वृक्ष राशि वालों के लिए यह लाभ का सूचक है, मिथुन राशि वालों के लिए सुख और समृद्धि और वाहन सुख देगा, कर्क राशि वालों के लिए मान सम्मान में पीड़ा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए वह कहीं पर जाए तो अपने मान और सम्मान को देख करके ही कहीं यात्रा करें। श्रृंग राशि वालों के लिए ये थोड़ा बहुत अच्छा नहीं होगा, यह मृत्यु तुल कष्ट दे सकता है, तो श्रृंग राशि वाले इससे बचे। इस दिन महामृत्युंजय का जप करें ग्रहण काल में तो विशेष लाभ हो। कन्या राशि वालों के लिए यह स्त्री पीड़ा का होगा, तुला राशि वालों के लिए सुख समृद्धि होगा, वृश्चिक राशि वालों के लिए चिंता का विषय होगा, धनु राशि वालों के लिए थोड़ा मानसिक व्यथा होगा, मकर राशि वालों के लिए श्री की वृद्धि होगी, धन धान्य मिलेगा और इनके रुके हुए काम पूर्ण होंगे, कुंभ राशि वालों के लिए ये थोड़ी क्षति हो सकती है, तो ये लोग बच करके रहें, इस समय विशेष करके पूजा पाठ कर सकते हैं। ग्रहण का प्रारंभ जो है रात को 9:12 से लेकर के 2:22 के बीच में है, तो इस दरमियान विशेष सावधानी बरतें, हरे स्मरण करते रहें तो ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा। जय विश्व। ग्रहण में क्या क्या नहीं करना चाहिए ग्रहण के दौरान? ग्रहण के दौरान हमें कुछ खाना नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले, चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले हमको जो है सूतक लग जाता है, तो उस समय अगर पहले से ही कोई भोजन हो तो उसमें तुलसी दल या कुशा डाल देना चाहिए, तब उसको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन ग्रहण काल में हमको कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करना चाहिए, उस समय हमको हरि का स्मरण करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने पर, सूतक समाप्त होने पर हमको स्नान करना चाहिए, स्नान करके पुनः देव पूजन। 8 अप्रैल को लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है यह 2024 का पहला सूर्य ग्रहण होगा, जबकि यह भारत में दृश्य नहीं है, भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण का समय जो है वह रात्रि के
9:12 से प्रारंभ होगा और 1:32 तक रहेगा। लेकिन जहां सूर्य ग्रहण लगेगा, जहां दिन रहेगा, 7 तक अंधेरा छाया रहेगा। इसका मतलब है कि 7 तक ग्रहण का मोक्ष काल जो होगा वह कंप्लीट अंधेरा रहेगा और 7 के बाद ही पुनः सूर्य दिखाई पड़ेगा। तो ग्रहण तो बड़ा कठिन है, भले भारत पर दृश्य नहीं है, लेकिन प्रभाव तो इसका रहेगा ही सबों के ऊपर। और इसके प्रभाव के लिए, और साथ ही साथ क्या है, इस ग्रहण का संयोग ऐसा है कि ग्रहण समाप्ति के साथ ही चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने वाला है। तो चैत्र नवरात्र का जो कलश स्थापन होगा वह, उस पर विशेष ध्यान रखना है कि जो हम कलश स्थापन करके माता दुर्गा का आवाहन करेंगे, पूजन करेंगे या दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, उसका समय को देखते हुए रात में जब ग्रहण काल होगा, इसके बाद जब तक आप शुद्ध नहीं होते हैं, घर की शुद्धि नहीं करते हैं, गंगा मिट्टी का स्पर्श नहीं करते हैं, तब तक आप शुद्ध नहीं हैं। और गंगा में स्नान या गंगा जल से स्नान करना गंगा मिट्टी को लगाने के बाद ही पवित्र होता है। जिस जगह कलश स्थापन करेंगे उस जगह पवित्र सुबह प्रातः काल धो लें। और ध्यान रखें कि कलश स्थापन का जो समय है वह 7 से 8 के बीच में यदि आप नहीं कर पाते हैं तो अभिजित मुहूर्त जो है 11:34 के बाद 12:54 के बीच में ही आप कलश स्थापन करें, क्योंकि ग्रहण काल का जो नकारात्मक ऊर्जा इस पृथ्वी पर पड़ा है, इसलिए यदि आप शुभ समय में कलश स्थापन नहीं करते हैं तो आपकी पूजा जो होगी वह अपवित्र ही माना जाएगा। इसलिए आप सुबह पवित्र होकर के ही कलश स्थापन का कार्यक्रम करें।